हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे कल्याण में भावनगर एक्सप्रेस में चाकू के दम पर एक महिला यात्री को लूटने का प्रयास करने वाले 5 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग लड़का भी है, जिसकी उम्र महज अभी 14 साल बताई जा रही है। कल्याण GRP के थाना प्रभारी वाल्मीकि शरदुल ने बताया है कि घटना 27 जनवरी की रात की है। सोलापुर से वसई जा रही एक महिला यात्री को करजत के बदलापुर के बीच में 5 लुटेरों ने लूटने की कोशिश की, मगर महिला यात्री ने जब पर्स नहीं दिया तो इन लुटेरों ने उसे चाकू का खौफ दिखाया। और घटना की पुष्टि करते हुए कल्याण GRP की महिला पुलिस निरीक्षक अर्चना दुशाने ने बताया कि लुटेरे जब लूटने का प्रयास कर रहे थे और उसी दौरान किसी यात्री ने कंट्रोल रूम पर फोन करके इसकी जानकारी दी। जैसे ही भावनगर एक्सप्रेस कल्याण पहुंची, फौरन GRP की टीम ने इन 5 लुटेरों को दबोच लिया। पकड़े गए लुटेरे पुणे के रहने वाले हैं और इनका नाम तबरेज मुनीर शेख है, दानिश अनीस खान है, अशोक दबड़े और निजाम दाऊद शेख बताया जा रहा है। जबकि 5वां जो आरोपी है वो नाबालिग है, जिसकी उम्र महज अभी 14 साल है। फिलहाल लोहमार्ग पुलिस ने सभी अभियुक्तों को 5 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने और कितनी वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले में कल्याण GRP PI अर्चना दसाने ने क्या जानकारी दी। जी, 27 जनवरी 2022 के दिन सोलापुर से वसई तक एक महिला उसके लड़की के साथ सोलापुर से वसई काकीनाड़ा भावनगर एक्सप्रेस से जर्नी कर रही थी। तब जब वो सोए थे उनके जर्नी के दरम्यान, तब उनको चोर चोर ऐसा आवाज़ सुनाई दिया, इसलिए उन्होंने उनका जो बैग था जिसमें पैसा मोबाइल और कुछ कीमती सामान था ऐसा उन्होंने उनके पास रखा। तब ये 4-5 लोग उनके पास आए और उन्होंने बोला जो तुम्हारा सामान है दे दो। महिला ने उस पर नहीं बोला तो उनको चाकू दिखाकर जबरी से उनका सामान चोरी करके चले गए। फिर जब हल्ला मच रहा था तब किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम पर फ़ोन किया था, तब ड्यूटी के RPF के जवान उन्होंने स्पॉट अटेंड किया और बाद में जब कल्याण स्टेशन आया तब कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने आरोपी को आप इनका बैकग्राउंड क्या है आरोपियों का? आरोपी पुणे के रहने वाले हैं। उनको माननीय न्यायालय में नया कोर्ट में ले जाकर 5 दिनों का पुलिस कोठरी मिला है, अभी उसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कितना कैश था मैम और यार ये कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे, किन बीचों में इनको लूटने की कोशिश की? करजत से बदलापुर स्टेशन के बीच में इनको लूटने का प्रयास किया, उसमें मोबाइल और 900 रुपये कैश और बाकी का कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसा सामान था, 7,600।